जाते हैं उस तरफ घाटी में, काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉग हो गया दोस्त। क्या है कि कभी कभी अचानक से इधर टर्न हो जाता है। एक्चुअली वो अली रोड ये जो फॉगी कंडीशन है मुझे बसंतपुर का राइड याद दिला रही है। नेपाल जब हम लोग बसंतपुर नेपाल के लिए गए थे तो धनकुड़ बाजार तक सही था, हिल्ले के बाद से, हिल्ले टाउन के बाद से वहाँ फॉग मिलना शुरू हुआ था। कोई शायद यहाँ वाटरफॉल होगा, हाँ यू कैन सी दैट। इस टाइप के लोकेशन पे फॉग व्यू को बर्बाद कर देता। इमेजिन करिए कि पूरा ओपन क्लाउडी भी नहीं होता और वेदर अच्छा होता तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता। और वेदर को एंजॉय करिए। थोड़ा सा रोड स्लिपरी हो चुका है, अगर ज़्यादा तेज चलाते हैं, अगर ब्रेक मारेंगे तो फिर वो गाड़ी स्किड करेगा, क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट जो रोड पे आए हुए हैं वो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। रोड का कंडीशन ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है। इस टाइप की कंडीशन में अगर ऐसा रोड मेंटेन करके रखा है गवर्नमेंट तो वाकई में बहुत अच्छा है। मतलब फॉग नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर अच्छा व्यू दिख रहा है। जैसे इस एरिया में अभी बिल्कुल फॉग नहीं है तो आप देख सकते हो कंप्लीट ऊपर तक का एक अच्छा सा व्यू का। थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो चल रहा है दोस्तों, क्योंकि वो माइट भी आगे तो फॉग नहीं है, फॉग तो पीछे वाला ही माउंटेन पे था। हम देख सकते हो अभी जो पीछे वाली माउंटेन पूरा फॉगी फॉगी दिख रहा है ना, वहीं से अभी हम लोग आ रहे हैं। जय माते प्रभु। सामने का व्यू देख सकते हैं, इंटायर उस तरफ पर्वती को दिख रहा है। वाओ दोस्तों, पानी कैसे छोटे छोटे जो सोते होते हैं काफ़ी प्योर वाटर आता है। अगर ऊपर में कोई जानवर नहीं मरा हुआ तो क्या होता है, कभी कोई जानवर वहाँ पर मरा हुआ था जिसकी वजह से पानी कम्प्लीटली पोल्यूटेड हो जाता है। अगर उस पानी को आप ड्रिंक करते हैं तो फूड पॉइजन होने का चांसेस है, डायरिया भी होगा। अगर या पानी प्योर है तो इससे प्योर वाटर आपको नहीं मिलने वाला, इनसे साइड लेना होगा भाई। आप सामने की इन चोटियों पे देख सकते हो बादल कम्प्लीटली लगा हुआ, क्लाउड सामने जो पीक दिख रहा है वही उसी पर फॉग की कंडीशन था जो हम लोग आ रहे थे। मैं कुछ एक व्यू पॉइंट दिख रहा हूँ यहाँ पे सामने में, देखो रिवर नीचे जाने का, तो एक टेंपल बना हुआ है वहाँ पे, वो लेक जैसा लग रहा है। वहाँ जाने का रास्ता बहुत अलग डिफिकल्ट होगा। यहाँ रुकता हूँ, मैं भी एक फोटो लिया जाए। आप देख सकते हैं क्लाउड
का फॉर्मेशन। मैं अभी यहाँ कुछ देर के लिए रुका था और कुछ फोटोग्राफ लेने के लिए, तो नीचे में एक टेंपल दिखा, काफ़ी नीचे में एक रिवर भी है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा लौटते वक्त कि उस टेंपल के पास जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे वो रिवर है, रिवर का पे काफ़ी अच्छा फ्लो है, उसका रास्ता किधर से है वो पता नहीं। आप देख सकते हो ये इस रोड का एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है। हालांकि इस जगह का तो कुछ नाम नेमिंग प्लेट वगैरह नहीं है, लेकिन आप चिकमंगलूर से इस रास्ते पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना मत भूलिएगा। सामने एक और वाटरफॉल दिख रहा उस क्लाउड के अंदर, शायद कैमरे में दिख रहा होगा आपको वहाँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको पानी के सोते मिलेंगे, हालांकि पानी प्योर होता है कम्प्लीट, क्योंकि माउंटेन से ही ड्रॉप हो रहा है। हालांकि रेन बरसात तो अब नहीं हो रही है, उस समय बूंदाबांदी उधर हो रहा था। आप बाइकरों का झुंड देख सकते हैं। उसी रोड में मैं भी नीचे कोई ब्रिज आने वाला है, आई थिंक वो जो ऊपर से मंदिर दिख रहा था वो उसी के पास पास में अगर मिलता है तो मैं वहाँ जाता हूँ, या फिर कोई रोड मिलता है तो उस मंदिर में मैं जाऊँगा। ट्रैफिक किस कंडीशन पे यूजली बोथ साइड से, क्योंकि मैं मेन टाउन चिकमंगलूर में ही रुका था। ऐसे मेरा कोई आज का ये प्लान फिक्स नहीं है कि आज बेंगलोर लौटना ही है, मैं भी लौट सकता हूँ, मैं भी नहीं, देखता हूँ। थोड़ा सा मौसम खुला है, उस समय काफ़ी बादल था। हालांकि अभी हम लोग नेत्रावती पीक चलने वाले हैं, बट अभी दिन के 10:30 हो चुके हैं, अभी भी हम लोग इसी घाट में, तो होप सो कि हम लोग टाइम से पहुंचेंगे। हालांकि ये घाट इतना खूबसूरत है कि मैं इस घाट के पूरा डाउनफॉल तक एक राइड ले चुका हूँ, और सबसे खूबसूरत सेक्शन में से एक आप अभी देख रहे हैं, जो उस पॉइंट जहाँ पे हम लोग पहले भी थोड़ी देर पहले वहाँ थे, वहाँ से जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे लोग आते हैं थोड़ा देर वेट करते हैं एंड देन दे विल मूव। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट स्लोप है। एक अलग ही यहाँ पे खूबसूरती है दोस्तों, इसलिए मैं इसका इंटायर व्यू मैं लेके अभी आया हूँ। मतलब मैं दूसरी तरफ डाउनफॉल गया, नीचे आसपास के फॉरेस्ट एक्सप्लोर किया एंड देन आई केम बैक। हमें यहाँ से दूसरी तरफ चलना है अप्रॉक्स 50-60 किलोमीटर, सो नाउ यू कैन सी दैट। शानदार सा व्यू, चलिए चलते हैं अब नेत्रावती पीक की तरफ। अब सामने वो जो नीचे देख रहे हैं वो रिजॉर्ट है, मंदिर नहीं है। मॉर्निंग में मुझे लगा कि वो मंदिर तो जाने का रास्ता ढूंढ रहा था मैं, तो अभी मैंने एक लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि नहीं वो प्राइवेट रिजॉर्ट है। वो वाली वो सामने वाले जो ब्लू कलर में भी दिख रहा हो कैमरा में, वो एक वाटरफॉल सामने दिख रहा है वहाँ। लेट्स गो गाइस। काफ़ी क्राउडेड एरिया है यहाँ,
सीधा पिक। अभी हम लोग उसका मॉर्निंग में वहाँ पे मिल रहा था फॉग, अभी उसी रास्ते से वापस जाने वाले। वाकई में काफ़ी ऑसम सा प्लेस है, आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर लोग गए हुए हैं। अमेजिंग दोस्तों, देखो सिंपल सा वाटर फ्लो हो रहा है समवेयर डाउन फ्रॉम देयर, और वार पानी आ रहा। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए इस एरिया में। चलिए अब चलते हैं नेत्रावती पिकनिक।